प्रोटीन से भरपूर है सर। ये जो जिम करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। आपको नहीं लगा कि मोमोज फ्राई किए जाएं, स्प्रिंग रोल बेचे जाएं या फिर मैदे से बनी हुई कोई चीज़ बेची जाए, ये क्यों? सर ये पौष्टिक से भरपूर है, ये आदमी के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो बड़ा हैवी है। जी सर। और ये पूरा आप कितने का देते हो? एक सर 40 रुपये का। 40 रुपये का? जी सर। हमेशा कहा जाता है कि ये पुराना बुजुर्ग है, इसने पुरानी खुराक खाई है इसलिए तगड़ा है, बीमारियों से दूर है, एक लंबी और हेल्दी ज़िंदगी जी रहा है। वो कल्चर अलग था, वो ज़माना अलग था, वो वक्त अलग था, वही वक्त पलट के आ रहा है। हमने आपको श्रद्धाई दिखाई थी, आज मैं आपको स्प्राउट्स दिखाऊंगा। ये एक नया कंसेप्ट है जो जम्मू में आया है, फुल ऑफ प्रोटीन। आपके जिस्म का, आपके शरीर का सच्चा दोस्त प्रोटीन। यहाँ स्प्राउट्स बनाए जाते हैं, स्प्राउट्स सर्व किए जाते हैं। 3 दिन तक इन दालों को पानी में भिगो दिया जाता है, उसके बाद जब वो अंकुरित होती हैं उसको आपको सर्व किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके शरीर का, आपकी बॉडी का सबसे अच्छा दोस्त स्प्राउट्स। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह साहब, ये बताएं कि ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये कैसे बनाते हो, कि क्यों? सर ये चना है काला और ये मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल है, ये मूत की दाल है। हाँ। हम इसको रोस्टेड करते हैं, तीनों सर, को रोस्ट करते हैं नमक में। हाँ, नमक में रोस्ट करते हैं सर। हाँ। उसके बाद में हम इसमें प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं और हरी मिर्च डालते हैं। हाँ। और नींबू डालते हैं। हाँ। फिर चाट मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर। हाँ। डाल के मिक्सिंग करते हैं। अच्छा। फिर देते हैं खाने के लिए। फिर खाने के लिए देते हैं। ये कितनी देर तक पानी में भिगो के रखते हो आप? सर ये हम 2 दिन पहले भिगोते हैं इसको, जब अंकुर निकल आता है फिर हम इसको अच्छे से सफाई करते हैं। हाँ। उसके बाद में यहाँ पे ला के सर। ये तो हो गया 3 दिन पुराना, आपने पानी में भिगोया था, अंकुरित हो गया, यहाँ लेकर आ गए। जो आपने परसों सर्व करना है वो भिगो दिया आज? हाँ, वो भिगो दिया। वो कहाँ रखते हो? घर पे ही? हाँ, घर पे रखते हैं। घर पे रखते हैं। तो क्या, कितना ये जब तैयार हो जाता है पूरा, तो कितना सेहतमंद है लोगों के लिए? सर ये बहुत सेहतमंद है, प्रोटीन से भरपूर है सर। ये जो जिम करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। हाँ। सर इतना ये पौष्टिक है, इतना प्रोटीन से भरा है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है कि आदमी के जो शरीर में कमजोरपन है वो दूर हो जाता है सर, ताकत आ जाती है सर। आपको नहीं लगा कि मोमोज फ्राई किए जाएं, स्प्रिंग रोल बेचे जाएं या फिर मैदे से बनी हुई कोई चीज़ बेची जाए, ये क्यों? सर ये पौष्टिक से भरपूर है, ये आदमी के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको लगता है बाज़ार से ये मिसिंग है? बाज़ार में नहीं है अब? ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं है सर। बाज़ार में सिर्फ आजकल स्वाद बिकता है, सेहत नहीं बिकती है। तो आपने ये कोशिश की कि स्वाद के साथ साथ सेहत भी दी जाए। हाँ, सेहत भी बने सर, यही हमारी सोच है सर। ये एक जो है ये तो बड़ा हैवी है। जी सर। यह मेरी बाजुओं में तकलीफ है इसलिए हैवी लग रहा है मुझे, ये तो बहुत हैवी है। इसमें आपने ये काला चना है? हाँ सर, काला चमा है, काला चना है, हरी मूंग की दाल है। हाँ। मोत की दाल है। हाँ। एक प्याज है इसमें, टमाटर है, नींबू है। और ये पूरा आप कितने का देते हो? एक सर 40 रुपये का। 40 रुपये का? जी सर। मैं टेस्ट करूँ ये? हाँ सर। बड़ी मेहनत की है आपने इसमें। वाह, बहुत ही बढ़िया, स्वाद के साथ साथ सेहत भी सर्व कर रहे हैं। अगर आप भी इसका मज़ा लेना चाहते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन आपको भी बोले पुराना बुजुर्ग है, पुरानी खुराक खाई है। और मैं आपको बता दूं, आपका सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है? आपका शरीर, आपकी बॉडी, इसका बहुत ध्यान रखें और ये उसकी एक कड़ी है। अगर आप ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करते हैं तो क्या बात है। पाजी आना कहाँ पे आपके पास ये खाने के लिए? सर लास्ट मोड़ चर्च के सामने सर। लास्ट मोड़ चर्च के सामने रेहड़ी जोन है यहाँ पे, वहीं आपको आना है। यहाँ हमने आपको श्रद्धाई की वीडियो दिखाई थी, वहीं इन लोगों ने। बाज़ार का ट्रेंड बदल रहा है, जम्मू के बाज़ार बदल रहे हैं। आप फोकस स्वाद पे नहीं, सेहत पे है। अब आपकी मर्जी है आप क्या चुनते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।